हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से जो है 24 लिपस्टिक कॉम्बो पैक ऑर्डर किया था। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये कितना वर्स्ट है, कितना वर्थ है, और आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। 325 ऐसा कुछ अमाउंट है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक ज़रूर करना। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये जो लिपस्टिक का रिव्यू है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कम पैसे में इतने सारे लिपस्टिक वर्थ है या वर्स्ट है। तो अगर अच्छा रहेगा तो आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप भी ज़रूर इसको खरीदें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि जस्ट अभी पार्सल मुझे मिला है अमेज़ॉन से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरीके से इसको मैंने काट लिया है, एक नॉर्मल बॉक्स में कुछ आया है। अमेज़ॉन वाले एक्चुअली पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो कुछ नहीं इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ बॉक्स पैकेजिंग में आया है ये जो पार्सल है, और देखते हैं किस तरीके से इसका जो है रिव्यू है, डेमो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि 325 इज बहुत कम पैसे में 24 लिपस्टिक आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने सोचा लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर ये अच्छा निकलता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं अच्छा निकलता है तो, क्योंकि एक लिपस्टिक अगर आप ख़रीदने जाओगे तो 300 से 350 रुपये में तो मिलती ही मिलती है। तो 24 लिपस्टिक 325, एक्चुअली मुझे एक्चुअल प्राइस याद नहीं है, बट 300 से 350 के बीच में ही है कुछ। इसके ऊपर भी एक्चुअली प्लास्टिक रहता है, तो ये भी मैं मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है एक्चुअली इसको खोलने में, क्योंकि उसके बाद इस तरीके से वाह ये है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लिपस्टिक। वाव, मतलब 24 लिपस्टिक आपको मिल रही है, मतलब इमेजिन कि 324 या 25 रुपीस में आपको 24 लिपस्टिक मिल रही है। एक्चुअली ये TYA मैट लिपस्टिक है। सबसे पहले तो इसके रिव्यूज़, जब आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं से भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, तो सबसे पहले बात होती है कि रिव्यूज़ आप इसके ज़रूर चेक करें। तो इसके जो रिव्यूज़ थे काफ़ी अच्छे थे, ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतनी कम इसमें इतने सारी लिपस्टिक आएगी तो शायद अच्छी ना हो। तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और 4 to 3.5 to 4 स्टार तक इसको मिले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मंगाएं और देखें कि कितना अच्छा है। तो ये मैट लिपस्टिक है एक्चुअली, एंड मॉइस्चराइजिंग मैट एंड शाइनी रिच कलर है। तो ऑब्वियसली मैट है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ कि यहाँ पे कुछ शेड वेड कुछ अवेलेबल है क्या। तो कलर लिपस्टिक्स है, तो फर्स्ट मैंने ये जो मरून शेड है, एक्चुअली रेड है एंड रेड मरून ऐसा कुछ शेड है, तो ये इसको मैंने ऐसा खोला है। इसमें कुछ नेट वेट कितने ग्राम्स क्या है कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली। इसका जो बिल है शायद उस पर लिखा हुआ होगा, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ सामने ही शेयर किया है, खोला है। तो इस तरीके से अगर खोलने के बाद आप देखोगे कि, सॉरी टू से कैमरा थोड़ा सा हिल गया था जिसको मैंने सीधा किया। लिपस्टिक जो है, लिपस्टिक कैसी है ये तो मैं बाद में बात करूँगी। पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन लिपस्टिक काफ़ी छोटी है, मतलब यू मीन जो नॉर्मल लिपस्टिक्स आते हैं वो उसकी जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और जो है ये भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया होता है, जो कंटेन होता है वो ज़्यादा ही दिया होता है। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 324 रुपये में इतने में इतना ही मिलेगा एक्चुअली। तो चलिए बात करते हैं, आपको स्वॉचेस भी दिखा दूंगी मैं आज। और सबसे पहले ये कुछ शेड है, शेड मैं खुद से ही बोलूँगी जो शेड मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई शेड्स नहीं मेंशन है, और कितना है क्या है ये आपको सब तरीके से दिखा देती हूँ। सिर्फ इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कलर लिपस्टिक बस, और कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिप्स कलर लिपस्टिक कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है स्वॉचेस दिखा दूँगी,
अच्छा, इसकी जो स्मेल है एक्चुअली ये कुछ फ्लावर टाइप है, बट कौन सा फ्लावर है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिपस्टिक स्मेल ऑसम है, गुड है, बहुत अच्छी है। जब आप लगाओगे तो थोड़ा सा रिफ्रेश फीलिंग आएगी। कितनी देर स्टे करती है ये मैं आपको थोड़ी देर में आने तक बता देती हूँ। मैंने इसको लिप्स पे ट्राई किया और जो लिपस्टिक है वो मतलब ऑसम कलर है, सब कुछ अच्छा है इसका, कोई इशू नहीं है। आपकी लिप्स पे भी बहुत अच्छी तरीके से स्टे कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 से 5 घंटे आपकी लिप्स पे आराम से रहने वाली है। और बिल्कुल भी मैट का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई करती है आपके होठों को, तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करी, मॉइस्चराइजिंग है आपकी लिप्स और ऑसम कलर है। तो बाकी और कलर अभी हम देखते हैं। कलर बहुत अच्छे हैं, 2-3 बार जब आप अप्लाई करते हो तो मुझे जो है 24 का जो पैक है उसमें से मैं अगर आपको बोलूँगी तो हर कलर अलग नहीं है, कुछ कुछ कलर्स जो है बहुत सिमिलर है, मतलब सेम है, कुछ ऐसे 24 कलर अलग अलग कलर नहीं है। तो सबके स्वॉचेस नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि सारे अलग अलग कलर नहीं हैं, जितने भी अलग थे डिफरेंट थे वो मैंने आप लोगों को बताने की यहाँ पे कोशिश की है। एंड सारे कलर ऑसम है, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से है, तो अच्छे कलर है, ऑब्वियसली अच्छे ही है, क्योंकि इतने पैसे में और क्या मिलेगा यार, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 324 रुपये में। बट वो कितनी देर स्टे करता है तो वो आप देख सकते हो। तो ये जो कलर है एक्चुअली सिमिलर कलर है, आप देख सकते हो कि ये वाला कलर, ये वाला कलर, जबकि मैंने इस बॉक्स में से उठाया है इसको, और ये वाला कलर, ये कुछ कुछ बहुत सिमिलर है। तो ये जो स्वॉचेस है यहाँ पे मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, बट अच्छे हैं। कुछ भी ऐसे आप ये करोगे तो भी वो आपके इसमें से निकलने वाले नहीं हैं। ये मेरे हाथ पे कुछ लिपस्टिक का लगा था पहले से ही, इस फिंगर से आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सर रफ नहीं करना है आपको, ऑब्वियसली रफ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है निकल रहा है, बट मेरे हिसाब से 324 रुपये में, और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली पसंद आए, और अब देखोगे तो ये जो लिपस्टिक 324 रुपये में मिली है, इसके जो सारे शेड है, जो सारे इसके शेड है एक्चुअली में वो उतने वो नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ जो पीसेस है 24, अगर इसमें से आपकी 10 लिपस्टिक भी अच्छे निकल जाते हैं तो भी आपके पैसे जो है अच्छी तरह से वो है। तो मेरे इसमें से जो है ये आप देख सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, और ये बैठ नहीं रहा है क्या, तो मुझे लगता है कि ख़राब है क्या, क्योंकि बाकी लिपस्टिक ओवरऑल बहुत अच्छी है, बट कैप का पता नहीं क्या इशू है। और ये एक प्रोडक्ट मेरे इसमें से अच्छा नहीं निकला है, क्योंकि लगता है थोड़ा सा डैमेज हो गया है या फिर पता नहीं क्या है, तो ये नहीं बैठ रहा। तो इतना ही प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला है। बाकी इस लिपस्टिक को मेरी तरफ से जो है मैं 4 स्टार दूंगी, क्योंकि इतने पैसे में आपको इतने सारे लिपस्टिक मिलना तो दूर की बात है। नॉर्मल आप देखोगे तो 300 से 350 रुपये में आपको एक लिपस्टिक पड़ती है, तो इतने सारे चीज़ें। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इन लोगों ने जो है 24 जो पीसेस बताए थे, तो ये एक ही कलर के 4-4 या 5-5 ऐसे कुछ उन लोगों ने दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरून शेड है ये 5 है, ये पिंक शेड जो है ये भी 5 है, और ये कुछ पर्पल शेड जो आता है ऐसा कुछ शेड है, तो ये भी 5 है, ऑरेंज शेड 5 है, और ये वाला शेड आई थिंक ब्राउन है, और ब्राउन शेड ये है, बट ये मरून लिपस्टिक है, तो ये भी शेड जो है 3 से 4 कुछ ऐसे है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इसको आप एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ लिपस्टिक अच्छे हैं, कुछ थोड़े बहुत डैमेज है, बट इसको एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये, आप देख सकते हैं। एज अ कॉन्टोरिंग भी आप इसको यूज़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी कलर है, ब्राउन कलर है, तो कॉन्टोरिंग के लिए ब्राउन कलर बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको जो है एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हो।
तो ये जो शेड के मुझे दो रिसीव हुए हैं, तो इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया है जो 24 का कह के ये दे दिया है। बाकी मैं इसको 4 स्टार इसलिए दूंगी क्योंकि क्वालिटी इज़ ऑसम। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छी और बट ओके ओके है, 324 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी है। दूसरी बात जो है, बहुत टाइम तक मेन कंटेंट की अगर बात की जाए तो 3 से 4 घंटे आपके लिप्स से तस से मस नहीं होने वाले ये, और मॉइस्चराइज रखता है बिल्कुल भी, मुझे मैट वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है, तो मैं इसको 4 स्टार दूंगी। मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।